हेलो एंड वेलकम गाइस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा कि आज हम करेंगे इस लैपटॉप का गेमिंग टेस्ट और देखेंगे इसमें परफॉर्मेंस कैसी मिलती है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग वीडियो और क्विक रिव्यू वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर जरूर देखिए। और आज हम इस वीडियो के अंदर इस लैपटॉप में एक नहीं बल्कि दो गेम टेस्ट करेंगे, जिसमें से पहला अपना होगा GTA 5 और दूसरा होगा Asphalt 9। और साथ ही में हम देखेंगे कि हमको कितने FPS मिलते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो करते ही यहीं स्टार्ट। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और पहले मैं आपको इस लैपटॉप का छोटा सा बेसिक ओवरव्यू बता देता हूँ। यह है Realme बुक स्लिम i3 वेरिएंट, जो कि आता है 8GB रैम और 256GB SSD NVMe के साथ। और इसके साथ ही हमको मिलता है इंटेल का अल्ट्रा HD ग्राफिक्स कार्ड। तो अब हम करते हैं GTA 5 को स्टार्ट और देखते हैं कि इस लैपटॉप से GTA 5 की गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी मिलती है। और साथ ही में आप स्क्रीन में ऊपर लेफ्ट साइड में FPS काउंट भी देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने FPS और परफॉर्मेंस डिटेल्स के लिए इसमें MSI का आफ्टर बर्नर सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, जो कि परफेक्ट डिटेल शो करता है। और साथ ही में इसमें आप लैपटॉप का GPU टेम्परेचर और CPU यूसेज भी देख सकते हैं। तो गेम हो चुका है स्टार्ट और सबसे पहले हम करेंगे गेम को फुल स्क्रीन पर सेट। तो ओपन करते हैं गेम सेटिंग्स और करते हैं इस गेम को फुल स्क्रीन पर सेट। बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्क्रीन टाइप रहता है विंडो सेटिंग पर। तो अब गेम हो चुका है फुल स्क्रीन पर और अब हम देखेंगे कि गेम कैसा चलता है। तो फिलहाल इसका CPU टेम्परेचर 60°C है और अभी FPS भी 45+ देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात करें गेम के ग्राफिक सेटिंग की, तो अभी मैंने नॉर्मल पर सेट रखा है। तो अब हम लेते हैं कार और फिर देखते हैं कि कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है या नहीं। अभी मैं इस गेम को लैपटॉप के कीबोर्ड से चला रहा हूं और वीडियो में आगे हम इसको रेड गियर के गेम पैड से भी चला कर देखेंगे। आज हम इस वीडियो में करेंगे GTA 5 का 4-5 मिनट का गेम प्ले, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लैपटॉप में GTA 5 कैसा चलता है और लैपटॉप की परफॉर्मेंस कैसी मिलती है। हालांकि मैंने इसको 1 घंटे भी चला कर देखा है और नोटिस किया है कि जब लैपटॉप का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो हल्के फ्रेम ड्रॉप भी देखने को मिलते हैं। तो अब हम इसकी ग्राफिक सेटिंग्स को नॉर्मल से हाइपर सेट करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसा चलता है। हालांकि नॉर्मल सेटिंग्स पर तो इसने GTA 5 को ईजिली हैंडल कर लिया था, तो अब मैंने इसकी सभी सेटिंग्स को नॉर्मल से हाइपर सेट कर दिया है। तो अब करते हैं सेटिंग्स को गेम में अप्लाई और करते हैं गेम को रीस्टार्ट। और अब हम यहां से GTA 5 को रेड गियर के गेम पैड से चलाएंगे। तो करते हैं पहले इसको कनेक्ट और देखते हैं कि इससे गेम कैसा चलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हो गया है लैपटॉप से पेयर। अब आगे का पूरा गेम प्ले हम इसी गेम पैड से करेंगे। तो तब तक आप कीजिए आगे का गेम प्ले इंजॉय। My car, asshole!
तो GTA 5 को हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर करने के बाद फिलहाल मुझे इसकी परफॉर्मेंस में तो ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिला, लेकिन इसके FPS काउंट थोड़े कम हो गए हैं। तो GTA 5 को अब हम करते हैं क्लोज और चलाते हैं इसमें एसफल्ट 9। तो करते हैं एसफल्ट 9 को ओपन और देखते हैं कि ये कैसा चलता है। अभी फ़िलहाल इसकी ग्राफिक्स सेटिंग डिफ़ॉल्ट है, आगे हम इसको फुल ग्राफिक्स पर भी करेंगे और फिर देखेंगे कि गेम कैसा चलता है। तो अब हम करते हैं गेम को फुल ग्राफिक्स पर सेट और करते हैं गेम को रीस्टार्ट। तो अब हम करते हैं गेम का फुल ग्राफिक सेटिंग पर गेम प्ले और देखते हैं कि फुल ग्राफिक सेटिंग्स पर इसकी क्या परफॉर्मेंस मिलती है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एसफल्ट 9 को फुल ग्राफिक्स सेटिंग्स पर करने के बाद भी अभी तक फ़िलहाल हमको इसमें कोई लैग या कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला और इसके FPS भी हमको कॉन्स्टेंट ही मिल रहे हैं।
तो गाइज अगर मैं आपको इस लैपटॉप का फाइनल गेमिंग रिजल्ट बताऊं तो वो काफी सही है। हालांकि ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस मिली वो काफी बेहतर है। अगर आप नॉर्मल और कैजुअल गेमिंग करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं और ये लैपटॉप उसको इजीली हैंडल कर लेगा। अगर आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा।